तो दोस्तों, आज आपको हम दिखाएंगे घर पर ही मशीन कैसे सर्विस करें। आप अपने घर पर ही अपनी मशीन सर्विस कर सकते हैं, जो आपको शॉप पे जाना पड़ता है या शॉप पे जा करके आप पैसे दे करके सर्विस करवाते हैं, वो आप अपने घर पे ही सर्विस कर सकते हैं। पुरानी मशीन्स हो या न्यू मशीन्स हो, कोई वर्क नहीं होता है। ये एक मिथ होता है कि आप घर पे सर्विस नहीं कर सकते। मशीन को लेकर के बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से मिथ होते हैं, वो भी आज क्लियर कर दूंगा मैं, और कैसे सर्विस करें वो भी आपको आज पता चल जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा का तना पुराना घिसा पिटा डायलॉग, वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए, अब आपको हम एक चीज़ करके दिखाते हैं, सारी की सारी चीज़ें कैसे ये मशीन होती है सर्विस। आपको स्लाइड प्लेट निकाल के रख देनी है, और इसके बाद सबसे पहले आपको ये हत्थी खोलनी है, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती है। इसके लिए आपको 10-11 नंबर का रिंच चाहिए होगा, दे रखा हुआ है 10 और 11 नंबर का रिंच है चाहिए होगा आपको, इससे ये हत्थी खुल जाएगी। आप ओपन कर लेंगे, देखिए उल्टी तरफ घुमाना है आपको लेफ्ट साइड में, देन ये हत्थी ओपन हो जाएगी इजीली, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, रिपेयर और सर्विस करके दिखाते हैं। अब आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, सिंपली कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, और उससे फेस प्लेट ओपन कर लेनी है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये पेच ओपन होंगे, ये तो सभी को मालूम होता है, फिर भी मैं इतने इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करें। ठीक है, ये खुल गई हमारी फेस प्लेट। अब आपको सुई ऊपर कर लेनी है, सुई ऊपर करके मशीन को इस तरीके से कर देना है। ठीक है, अब मशीन ऐसे आ जाएगी, क्योंकि हत्थी हम हटा चुके हैं तो मशीन ऐसे खड़ी हो जाएगी। अब आपको सिंपली बॉबिन केस बाहर निकाल लेना है, रख देना है साइड को, और अब आपको नाल खोल लेनी है। नाल के स्क्रू ये भी लेफ़्ट साइड ही खुलेंगे, सबको ही पता होता है कि हर स्क्रू लेफ़्ट साइड ही खुलता है। कुछ मशीन्स में होता है जो राइट साइड खुलता है, बट उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक, ये हमारी नाल खुल गई। ठीक, ये हमारी नाल खुल गई। इसका भी यूज़ होता है, ये भी साफ़ करना इसी वीडियो में बताऊंगा, कोई अलग से वीडियो नहीं लाऊंगा। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसी में धागा चलता है। ठीक है, ये साइड को रख देता हूँ। ठीक, अब आपने प्रेशर फुट ओपन कर लेना है, प्रेशर फुट ओपन कर लेना है इस तरीके से, सिंपली प्रेशर फुट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेशर फुट इजीली ओपन हो गया। ठीक है, ये भी साइड को रख देना है, और ये स्क्रू भी खोल के साइड में ही रख देना ताकि खोए ना। ठीक, ये सब मैं साइड में रखता जा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ठीक, अब आपने स्लाइड प्लेट भी खोल लेनी है आपने, लेफ्ट साइड स्क्रू खोलेंगे, बड़ा पेचकस लिएगा ताकि आपको पकड़ने में आसानी रहे। अगर छोटा पेचकस से ये खोलेंगे तो उससे स्क्रू ड्राइवर से ये नहीं खुलने वाली है। ये स्लाइड मिरर प्लेट भी खुल गई है, ओपन हो गई स्क्रू, देन मिरर प्लेट साइड में स्क्रू रख देना है। ठीक, अब देखिए आपने करना क्या है, देखिए ये सब देखिए फीड दाती पे, इसे फीड डॉग भी बोलते हैं और हिंदी आम भाषा में दाती बोला जाता है। इस पर देखिए सब डस्ट जमी हुई है, यहाँ पे देखिए ये सब डस्ट जमी हुई है, यही सब आपको साफ़ रखना होता है। ऑयलिंग करनी होती है टाइम टू टाइम, अगर आप ऑयलिंग रखते हो
या डस्ट साफ़ रखते हो तो आपको जल्दी सर्विस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो आप घर ही पे सर्विस करवा लोगे, आपको मैकेनिक की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती अगर आप इस तरीके से रखते हो मशीन अपनी टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते हो। तो इसको आपको एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, आप छोटा भी ले सकते हो टूथपेस्ट टाइप का, मैंने बड़े ब्रश का उपयोग करा है, कोई भी ब्रश जिससे आप ये साफ़ कर सकते हो ये, ठीक है। दाती वगैरह आप चाहें छोटा ब्रश इस पे यूज़ करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दाती पे साफ़ करेगा, बड़ा ब्रश यहाँ ज़्यादा उपयोग होगा। तो ये डस्ट जमी हुई है यहाँ पे, ठीक। आपने अच्छे से सफाई करनी है यहाँ पे, बाकी आपको यहाँ पे सब ऑयलिंग करनी है, जितने मूवमेंट पार्ट्स हैं जो चलते हैं, जो ये देखिए मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे ऑयलिंग करनी है आपने। जैसे ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, सब कुंडी वगैरह सब यहाँ पे ऑयलिंग करनी है सब, अभी मैं वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है आपने, और अगली वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो उसमें आपको गज़ लगाना भी बता दूंगा, ये गज़ कैसे चेंज होते हैं, या ये गज़ या ये सब कैसे चेंज होते हैं। अगर इस वीडियो में मैंने ये सब बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपने देखना पूरी है नहीं, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं अब आपको ऑयलिंग, आपको ऑयलिंग ऑयल लेना हुआ है, ठीक। आपने ये मूवमेंट पार्ट से यहाँ पर लगाना है ऑयल, देख सकते हैं आप, यहाँ ऑयल डाल कर दिए, यहाँ ऑयलिंग, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपको, दो दो बूंदें ही टपकानी है, ठीक है। ये ऑयलिंग कर देनी है, और यहाँ साइड में इस पे भी ऑयलिंग कर देनी है तो मूवमेंट पार्ट से, बाकी नीचे की चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे काम नहीं होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ कोई काम नहीं होता है, ठीक है। मेन यहीं पे वर्क होता है, ये वर्क होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये वर्क तो होता ही है, सबसे इम्पोर्टेंट ये साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें ऑयलिंग तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, इसको भी साफ़ करना इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको पीछे से खोल लेना है आपने, सबसे पहले ये निकाल लेना है, ये इस तरीके से निकल जाएगा ऊपर की तरफ निकल आएगा, ठीक है। निकाल के साइड रख देना है, देन आपको ये स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेनी है, लेफ्ट साइड ही ओपन करना है, ठीक। ये ओपन हो गया, ये रिंग निकाल लेनी है आपको, रिंग साफ़ कर लेनी है किसी कपड़े से, और ये भी साफ़ कर लेना है किसी कपड़े से, ठीक है। वो भी मैं अभी साफ़ करके दिखाता हूँ। देखिए अब आपने ये जो यहाँ पे ये पार्ट से, ये किसी स्क्रू ड्राइवर से या किसी चीज़ से ये साफ़ कर लेना है, ये निकाल देने हैं कस के करके, ये जमा हुआ जो ये गंदगी है ये निकाल लेने हैं, इसमें धागा बहुत बार फंसता है, प्रॉब्लम करता है, ठीक है। बाकी इसको कपड़े से साफ़ करना है, ऑयलिंग करके कपड़े से साफ़ कर लिए, या पेट्रोल यूज़ कर लीजिए सबसे अच्छा है, पेट्रोल यूज़ कर लिए उससे साफ़ कर लिए सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे कि ये सब ये जो फंसा हुआ है ये सब आपने साफ़ कर लेना है। अब आपने एक कपड़ा ले लेना है कोई, जैसे कोई भी गंदा कपड़ा ले लेना है, उससे ये साफ़ करना है ये सब, थोड़ी सी ऑयलिंग इसमें करनी है, ठीक। अब इससे साफ करना है आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलाई मशीन में, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक। अब आपने इसकी दूसरी पत्ती लेनी है, ये भी साफ़ कर लेनी है, हो सकता है तो पेट्रोल यूज़ करिए उससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल किसी वजह से नहीं है क्योंकि वीडियो मैंने अचानक में बनाई, वरना मैं पेट्रोल लेकर आता आपको दिखाता, लेकिन आप पेट्रोल यूज़ करिएगा, ठीक है। और आपने ये भी साफ़ कर लेना है, अब आपने ये वापस से फिट कर देना है, ठीक है। फिटिंग मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, रिंग इसमें दोनों साइड पे होल दिए हुए हैं, देखिए पास से देख रहे होंगे आप, होल दिए हुए हैं, ठीक है। इसको ये
इसके लिए ये पिने निकली हुई है, इस पर लगा देना है। वो इस तरीके से लगेगी, इस तरीके से लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से लगाना है आपको। ये देखिए ऊपर साइड में ये कट दिया हुआ है, कट दिया हुआ है, ये देख लिए ध्यान से, कट दिया है, इस साइड से ही ये लगेगा, ठीक है, वरना उल्टा हो जाएगा और आपकी मशीन प्रॉब्लम करने लगेगी। ये लग गया, ठीक है। अब आपने इसका दूसरा पार्ट ये ले लेना है, ये यहाँ पे रख देना है जहाँ पे रखा था। इसके लिए देखिए ये मैचिंग का यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका एक स्क्रू होता है वो आपने लेके इस पर लगा देना है, थोड़ा सा फंसाना है, फिर उसके बाद आराम से आप ये चीज़ करने की कोशिश करिएगा। रुक दीजिए, आपने ये यहाँ लग गई है। अब इसको धीरे धीरे, पहले जितना हाथ द्वारा टाइट हो उतना हाथ से टाइट कर लीजिए, देन उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लेके इसको कस देना है। इसको काफ़ी तेज कसिएगा, ठीक है। ये हमारा टाइट हो गया, ठीक है। अब आपने शटल लेकर के वो लगा देना है, शटल वापस से इसमें लगा देना है। देखिए शटल फिर देख लिए किस पोजीशन में लगेगा, नाल इस साइड की रहेगी, शटल की ये जो पिन है वो इस साइड की रहेगी, उल्टा रहेगा, ठीक है। उल्टा हो करके ये इस तरीके से फिट होगा, इस तरीके से आपने लगाना है तभी फिट होगा, वरना आप कमेंट में पूछोगे कि ये कैसे है, ठीक है। ये देखिए फिट हो गया, ये मूवमेंट करने के लिए रेडी है। अब इसमें आपको ऑयलिंग कर देनी है, ऑयलिंग इसमें कर देनी है आपने, ठीक है। देखिए ऑयलिंग मैंने कर दी, इसमें ऑयलिंग अच्छी खासी करिएगा, इसमें कोई भी कंजूसी मत करिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, ठीक है। अब आपने वापस से ये लगाना शुरू करना है, सुई ऊपर करके ही ये लगाया जाएगा, ठीक है। निडल ऊपर रखनी है, इसके बाद ही ये लगाया जाएगा। देखिए इस पोजीशन में आपको रखना है, देखिए इस पोजीशन में, ये पास से दिखाइए, ये इस पोजीशन में रहेगा, देन ये इधर इस साइड में रहेगा, ठीक है। जब ये फिट आएगा देखिए ऐसे बैठेगा, फिर से देख लीजिए, ये इस पोजीशन पे रहना है, इसी पोजीशन में रखना है आपने, और ये इस तरफ रहेगा, ठीक है। आपने अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ की गई है इसमें, ठीक है। अब आपने इसके स्क्रू उठा लेने हैं, दोनों स्क्रू इसके सही जगह पे लगा देना। ठीक है, अब आपने दोनों स्क्रू अच्छे से टाइट कर देने, स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से दोनों स्क्रू टाइट कर देने। ठीक, ये स्क्रू इसके टाइट हो गए, ठीक। अब आपने सुई, ये जो नडील है ये चेंज कर देनी है, जो भी आप सुई यूज़ कर रहे हो अब वो चेंज कर देनी है। ये भी बहुत उपयोगी होता है, बहुत लोग सुई चेंज करना भूल जाते हैं, उसके वजह से भी पूरी सर्विसिंग उनकी प्रॉब्लम उसके बाद भी होती है, ठीक है। सुई चेंज कर देनी है आपको, कोई भी सुई यूज़ कर सकते हो, ऑर्गन की ले सकते हैं, ग्रोज ब्रेकआउट की ले सकते हैं, या ये फ्लाइंग टाइगर की ले सकते हैं, लेकिन एचए होना चाहिए, या हैंड अटैचमेंट की सुई होती है एचए नंबर की, ठीक है। हाथ वाली मशीन में यही एचए की यूज़ होती है, इसमें बहुत से नंबर आते हैं, 11, 14, 16, 18 वगैरह, यहाँ पर मैं 14 नंबर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देन आपने एक सुई बाहर निकालनी है, निकाल के रख लेनी है, और ये सुई को किसी उस प्लास से या ये चुटकी खोल लेनी है आपने, देखिए इस तरीके से, या आप स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटा स्क्रू ड्राइवर हो तो उसमें बीच में गैपिंग दे रखी होती है इतनी, लेकिन मैं प्लास यूज़ कर रहा हूँ, उससे मुझे ज़्यादा ईजी हो रहा है। ये सुई निकाल ली है, ठीक है, ये साइड को रख देते हैं सुई हम, देन अब ये सुई हम लगाते हैं इसमें।
ठीक है, सुई में चपटे तरफ जिधर होता है चपटा साइड, पूरी गोल नहीं होगी सुई, एक तरफ चपटा होगा, वो साइड से ही इसमें लगेगी, चपटे साइड से, ठीक है, चपटा साइड इधर लगेगा। इसके लिए आपको ये सुई ऊपर करनी है, लगा देनी है इजीली। और पूरी जहाँ तक का ऊपर आए टाइट कर देनी है, उसके बाद सुई को वापस से टाइट कर देना है आपने। अपनी लगा ली है, ठीक है। अब आपको सुई लगाने के बाद सबसे पहले आपने काम ये करना है, आपने मिलान इसका चेक करना है। मिलान आपको मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। शटल का जो कटा हुआ पार्ट होता है उसके बीच से ये सुई का ये होल है, कटे पार्ट के पास से शटल जाना चाहिए, उसमें ज़रा सी कैपिंग होनी चाहिए, वो इतना इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यही है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि कटे पार्ट के पास से जाए, अगर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी सुइंग मशीन में प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये पास से देखिए काट के जा रहा है ये, ठीक है, ये इसका मिलान होता है, मिलान हमारा एकदम ठीक है, ठीक। अब हम वापस से इसके पार्ट्स लगा देते हैं, जो जो हमने इसके पार्ट्स वगैरह ओपन करे हुए थे वो वापस से इसके लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले निडल प्लेट, देन इसके स्क्रू। निडल प्लेट हमने टाइट कर दी है वापस, ठीक है, निडल प्लेट वापस से टाइट हो गई है। देन स्क्रू ड्राइवर वापस से यहाँ पे लगाना है, एक पिंच वापस से प्रेशर फ्रूट स्क्रू। देन आपने इसको अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो अगर आपके पार्ट्स बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हों तो पार्ट्स चेंज भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। नहीं चेंज कर सकते हैं अगर आप पार्ट्स हमारे मशीन के बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, यूज़ करने लायक हैं तो यूज़ करिए, ठीक है। देन आपने वापस से ये वापस से लगा देनी है फेस प्लेट भी। एक ही स्क्रू होता है यहाँ पे, बस एक स्क्रू लगा के टाइट कर दीजिए, टाइट हो जाएगी। अब आपने वापस से स्लाइड प्लेट भी वापस से लगा देनी है, नीचे पत्ती दी हुई होती है वही रोके रखती है, और कुछ नहीं होता, ये पत्ती आप आसानी से फंसा लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, ठीक, ये हो गया। अब आपने वापस से बॉबिन केस आपने वापस से लगा देना है सीधे, ठीक है। अब आपने बॉबिन वापस से लगा देनी है, वापस से बॉबिन इसी में फिट कर देनी है, ठीक है। बॉबिन फिट हो चुकी है, मशीन हमारी लगभग तैयार हो गई है, ये दिखा दिए, मशीन हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। ठीक, अब हम इसमें हत्ती वापस से लगा देते हैं। एक ही स्क्रू है, बहुत ज़्यादा स्क्रू कोई है नहीं, कि कोई प्रॉब्लम हो आराम से लगा लोगे, एक स्क्रू बस टाइट करना है। और हत्ती कैसे लगाते हैं ये भी देख ही लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं सब लगभग बना दूंगा आपके लिए, मोटर वगैरह, या आप कमेंट में पूछ सकते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। फिर उसी रेंज से उसी हत्ती को टाइट कर देना, हत्ती हमारी हत्ती टाइट हो गई है, ठीक। अब हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं इस पर, ठीक है, सिलाई करके दिखाते हैं। सिलाई के लिए हमारी मशीन रेडी हो चुकी है, तो मशीन हमारी कंप्लीट सर्विस हो चुकी है, धागा वगैरह हमने डाल दिया है, बेस में फिट कर दी है, अब ये सिलाई करने के लिए रेडी है। तो अब इस पर हम सिलाई करके देखते हैं कि आपको दिखाते हैं।
हमारी मशीन की सिलाई काफ़ी अच्छी हुई हुई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, देख सकते हैं आप सिलाई कितनी काफ़ी साफ अच्छी हुई हुई है। सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं। आपको और सिलाई करके दिखाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। आप नीचे मशीन स्टार्ट कर दीजिए, देख लीजिए किस तरीके से सिलाई आ रही है। तो फ्रेंड्स हमारी मशीन ने सिलाई कर दी है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कैसी सिलाई आई हुई है, और थोड़ा पास से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी मशीन की सर्विस। आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।